तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं राजवीर यूनिवर्सिटी अपडेट। अगर आप सभी बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी या आप सभी अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप सभी को पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं तो आप सभी को टॉप 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बीए की। अगर आप सभी इस साल एग्जाम देने वाले हैं पार्ट 1 की तो आप सभी के लिए फायदेमंद वीडियो होने वाली है। अगर आप सभी को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होगी तभी आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें, शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आप सभी को समझ में आएगी टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर। अगर आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो 80 या 85 नंबर ला सकते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट में। अगर बात करते हैं क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो 100% एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिखने को मिलेगी। ये सारी क्वेश्चन को आप सभी जरूर सोल्व करके एग्जाम में जाएं तभी आप सभी अच्छे से लिख कर आएंगे एग्जाम हॉल में। तो चलते शुरू करते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा तभी आप सभी को समझ में आएगा। सभी देख रहे हैं राजवीर यूनिवर्सिटी अपडेट। अगर आप सभी टॉप 10 क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन यूनिवर्सिटी बोर्ड से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो आप सभी चैनल पर जरूर बने रहे, इस पर आप सभी को सारी चीज मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में बात करते हैं आप सभी से बीए पार्ट 1, अगर आप सभी पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं ऑनर्स में, पेपर 1 को लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, कोई 5 क्वेश्चन का आंसर देनी होगी अगर आप सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं पार्ट 1 को, तो शायद यहां तक समझ में आ गई होगा। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, पेपर 1 की टॉप 10 क्वेश्चन ले ली गई है, आप सभी सारे क्वेश्चन को सोल्व करके ही जाए, आप सभी को 100% क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिखने को मिलेगी। पहले क्वेश्चन, आप सभी को राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर आप सभी को विवेचना करनी होगी। सेकेंड क्वेश्चन, आप सभी को राज्य की परिभाषा दीजिए और इसकी वर्णन भी कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, आप सभी कानून विधि से आप क्या समझते हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए। चौथी क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तों का प्रतिक्षण कीजिए। पांचवी क्वेश्चन, आप सभी को दिखने को मिलेगी एग्जाम हॉल में, अधिकार से आप क्या समझते हैं इस पर प्रकाश डालिए। छठी क्वेश्चन, आप सभी को मार्क्स के वर्ग के संघर्ष में अवधारण का परीक्षण कीजिए। सातवीं क्वेश्चन, आप सभी को सबसे वीवीआई रहेगी एग्जाम हॉल में, गांधी के अहिंसा संबंधी अवधारण का मूल्यांकन करें, ये 100% क्वेश्चन दिखने को मिलेगी। अगली क्वेश्चन, आप सभी को दबाव समूह क्या है लोकतंत्र में, इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंध क्या है, इस पर स्पष्ट कीजिए। अगली क्वेश्चन, आप सभी को संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में प्रतिक्षण कीजिए। 10 क्वेश्चन आप सबको टॉप 10 है, इनमें से आप सबको 5 क्वेश्चन ऐसे हो जो एग्जाम में दिए जाएंगे। तो सारे क्लियर कर जाए पेपर 1 की। पेपर 2 की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की पेपर 2 की, जो आप सभी को ये क्वेश्चन 100% दिखने को मिलेगी एग्जाम हॉल में। पहली क्वेश्चन, आप सबको तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र के विवेचना कीजिए। दूसरी क्वेश्चन, आप सबको ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकारों के कार्यों के बारे में प्रतिक्षण कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आप सभी को संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक कार्यकलम की विवेचना कीजिए। चौथी क्वेश्चन, आप सभी को अमेरिका में संघवाद के प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। पांचवी क्वेश्चन, आप सभी फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों के बारे में आप सभी वर्णन कीजिए। छठी क्वेश्चन, आप सभी को वीवीआई 100% क्वेश्चन दिखने को मिलेगी एग्जाम हॉल में, जरूर आप सभी उसको पढ़कर जरूर जाए। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। सातवीं क्वेश्चन, आप सभी को नेपाल में राजनीतिक दलों के पर निबंध लिखिए, एक लिखवाई जाएगी आप सभी एग्जाम हॉल में। आठवीं नंबर क्वेश्चन, आप सभी ब्रिटिश कॉमन सभा के शक्तियों एवं शर्तों का आप सभी को अमेरिकी प्रतिनिधि के सभा के प्रति आप सभी को विवेचना करनी होगी। नाइन नंबर क्वेश्चन, आप सभी को ब्रिटेन में दबाव समूहों की भूमिका पर विश्लेषण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, आप सभी एग्जाम हॉल में दिखने को मिलेगी पेपर 2 की। आप सभी को पॉलिटिकल साइंस की ऑनर्स ले रखेंगे तो वीवीआई क्वेश्चन लास्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों की तुलना फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ कीजिए। ये क्वेश्चन टॉप 10 में बात कीजिए तो 100% क्वेश्चन दिखने को मिलेगी। अगर आप सभी किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप सभी इस सारे क्वेश्चन का सोल्व कर जरूर जाए, आप सभी पार्ट 1 एग्जाम क्लियर भी हो जाएगी, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं ऑनर्स पेपर में। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तो शायद आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, वहां से आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे से नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।